हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयश्रीश किचन। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई राजस्थानी रबड़ी घेवर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बनाना घेवर। सबसे पहले ले लिया है हमने 1/4 कप घी। मिनिमम 3 से 4 चम्मच घी हमें ले लेना है। घी को हम डाल लेंगे बाउल में, और अभी बाउल में डालेंगे हम आइस क्यूब्स। डालने के बाद हम घी को 4 से 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे आइस क्यूब्स के साथ। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, घी हमारा एकदम जम गया है, कड़क हो गया है। तो अभी हमें आइस क्यूब्स को निकाल लेना है, और बाउल में जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है उसे भी हम निकाल लेंगे, ताकि घी में पानी ना रहे। देखिए घी से सारा पानी हमने अलग कर लिया है। अभी हमें घी को फेंटना है, जब तक घी हमारा एकदम क्रीमी ना हो जाए, एकदम फ्लफी ना हो जाए। मैंने मिनिमम 8 से 10 मिनट तक घी को हाथ से इसी तरह से फेंट लिया है। देखिए घी हमारा एकदम क्रीमी हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल लेना है 1 कप मैदा। मिनिमम 200 ग्राम मैदा हमें डाल लेनी है। मैदा हमारी अच्छे से घी में मिक्स हो चुकी है। अभी हम डालेंगे 1 कप ठंडा दूध। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें ठंडा दूध ही डालना है। और अभी मैंने फिर से 1/2 कप इसमें पानी डाल लिया है। इसके बाद हमें पेस्ट को पतला करने के लिए ठंडा पानी डालना है। मैंने पहले से ही आइस क्यूब डाल के पानी को एकदम ठंडा करके रख लिया था। देखिए हमारा घेवर का पेस्ट तैयार हो चुका है। इसके बाद देखिए, मैंने एक बोतल ली हुई है जिसके ढक्कन में मैंने होल कर लिया है। आप कोई भी बोतल ले सकते हैं क्लीन करके। तो अभी देखिए हमें पेस्ट को बोतल में भर लेना है। देखिए बोतल में पेस्ट भर के मैंने तैयार कर लिया है, और एक छोटी भगोनी में मैंने घी को पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था। इसमें हमें पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, 8 से 10 बार ड्रॉप ड्रॉप करके हमें पेस्ट को डालना है। देखिए घेवर हमारा अच्छा जालीदार बन रहा है, और बीच में हमें घेवर में हल्का हल्का होल भी कर लेना है, ताकि हम पेस्ट को अच्छे से बीच में डाल सकें। देखिए घेवर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अभी इसे हमें घी से इसी तरह से बाहर निकालना है। देखिए जालीदार घेवर हमारा बनके रेडी हो चुका है। घेवर को हमें किसी भी जाली वाले बर्तन पर रख लेना है। देखिए मैंने उतने ही पेस्ट में 6 से 7 घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम घेवर के लिए बना लेंगे चाशनी। उसके लिए कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप चीनी। उसमें मैंने 1/2 कप डाल लिया है पानी। मिनिमम 4 से 5 मिनट तक हम इसे उबाल लेंगे, जब तक हमारी एक तार की चाशनी तैयार ना हो जाए। तो देखिए हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। इसे अभी हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं, और अभी घेवर के लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध को कढ़ाई में डालकर 30 से 35 मिनट तक उबलने दिया है। देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच चीनी, और डाल लेंगे हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची। इलायची से घेवर में अच्छा टेस्ट आएगा रबड़ी में। देखिए रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे अभी हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम घेवर को एक किसी भी जाली पे रख लेंगे, और अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डाल लेंगे। देखिए अच्छे से मैंने इसमें चाशनी डाल ली हुई है। चाशनी डालने के बाद अभी हमने जो रबड़ी बनाकर तैयार की थी उसे हम लगा लेंगे घेवर के ऊपर। रबड़ी से हमें घेवर को अच्छे से कवर कर लेना है।
देखिए मैंने रबड़ी से अच्छे से घेवर को कवर कर लिया है। तो इसके बाद अभी हम घेवर के ऊपर डाल लेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ते को कट करके रखा हुआ था पहले से ही। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने घेवर के ऊपर ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से लगा लिया है। घेवर हमारा अभी एकदम तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से एक एक करके मैंने सारे घेवर को तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घेवर अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अभी हम घेवर को कट करके देख लेते हैं कितने अच्छे से घेवर हमारा कट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय।